सुनील भाई, आपने सुना हरिशंकर गुप्ता कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं आपको पता है नहीं दिल्ली के बारे में, आपको सिर्फ बीजेपी को लपेटना है, इसीलिए आप अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हो गए, क्योंकि आपको 2024 के बाद का सिनारियो आपके दिमाग में घूम रहा है। अभी अरविंद केजरीवाल आपके साथ गए थे ना वहां केसीआर के मंच पर, तो कोई खिचड़ी पक रही होगी, इसीलिए राजनीतिक वजह से आप उनका समर्थन कर रहे हैं। देखिए मानद जी, क्योंकि मैंने सबको बहुत बेईमानदारी सुना है और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं हमारे नेता को दिल्ली के बारे में जानकारी नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी की एक बेसिक प्रॉब्लम क्या है, इनका अगर छुटवैया नेता भी है तो वो राष्ट्रीय नेता है, दूसरे दल का राष्ट्रीय नेता भी इनको लगता है ये गांव का ही नेता है, बाकी बाहर कोई कुछ नहीं जानता। हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी की इस मामले में प्रशंसा करूंगा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, घपलों के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ, धांधली के खिलाफ बड़ी मजबूती से लड़ते हैं जहां भाजपा नहीं होती है, और जहां भाजपा होती है वहां तो सब राम राज्य है, जहां भाजपा नहीं है वहां दारू बट रही है, जहां भाजपा है वहां चंद्रमित बट रहा है। मुझे जितना समझ आ रहा है कि देखिए क्या है कि बीजेपी, यही जो भ्रष्टाचारी बीजेपी के हिसाब से मनीष सिसोदिया जी है, यदि एक मिनट में फैसला ले लें कि भाई हम आप पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं तो ये राष्ट्रवादी हो जाएंगे। मदन मोहन मालवीय और सावित्री बाई फूले के बाद मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में तीसरे नंबर पे हो जाएंगे। लेकिन जब तक ये बीजेपी के खिलाफ हैं तब तक ये भ्रष्टाचारी रहेंगे। और हम तो कांग्रेस से भी अनुरोध करेंगे, ये देखिए बीजेपी उन सभी राज्यों में जांच करा रही है, सब पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जान रही है कि 2024 में जनता हमको हराने जा रही है चुनाव। तो जो जनता के बीच पॉपुलर है, जो जनता के बीच काम कर रहे हैं, वो छोटे छोटे दल हो, क्षेत्रीय दल हो, अलग अलग, उन पर सारी सीबीआई, ईडी, जो जांच हो सकती सब हो सकती है। लेकिन जहां उनके सहयोगी है भाई, हम तो बीजेपी ओके सुनील, एक सेकंड, बस एक सेकंड रोक रहा हूं आपको, ब्रेकिंग न्यूज आई है, वो जरा अपने दर्शकों को दे दूं, आपके लिए भी जानकारी होगी। 5 दिन की सीबीआई रिमांड मनीष सिसोदिया की कोर्ट ने दे दी है, यानी अब 5 दिन तक सीबीआई की रिमांड पर रहेंगे मनीष सिसोदिया, अगले 5 दिन। ये इस वक्त की अपडेट सीधे दिल्ली की राउज एवेन्यू की सीबीआई कोर्ट से आ रही है। सीबीआई ने 5 दिन की ही रिमांड मांगी थी और 5 दिन की ही रिमांड सीबीआई को कोर्ट से मनीष सिसोदिया की मिल गई है। तो एक कामयाबी तो इसे सीबीआई के लिए फिलहाल शुरुआती तौर पर कहा ही जा सकता है। 4 तारीख तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे मनीष सिसोदिया। लेकिन सुनील, अब कांग्रेस भी तो देखिए ना, कांग्रेस की और आपकी लाइन मिल क्यों नहीं रही है, अगर मनीष सिसोदिया को सताया जा रहा है, आम आदमी पार्टी को सताया जा रहा है तो? नहीं, वो लाइन इसलिए नहीं मिलती, माना जी मैंने आपके अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग मुद्दे पर एक सेम बात कही है कि भाजपा और कांग्रेस में बड़ा अंतर नहीं, ये दोनों मौसी मौसी के लड़के हैं, बहुत ज्यादा दोनों की शक्ल मिलती है, एक कम क्रूर है एक ज्यादा क्रूर है, बस इतने का फर्क है। ये दोनों दल नहीं चाहते कि क्षेत्रीय पार्टियां उभरे, ये दोनों दल सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं, ये दोनों दल गरीबों के खिलाफ हैं, ये दोनों दल नहीं चाहते हैं कि दलित, पिछड़े, गांव के लोग, किसान का बेटा भी तरक्की करके आ जाए, ये नहीं चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इस देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना अस्तित्व बचा सके। नहीं नहीं सुनील, सुनील एक सेकंड, देखिए नहीं, देखिए देखिए, ये राजनीतिक आरोप ठीक है, लेकिन तथ्य तो ये है ना, सीबीआई ने जांच करने के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। हरिशंकर गुप्ता कह रहे हैं भैया देखिए सबूत हैं, कागजी सबूत हैं, सब जगह सबूत हैं, और वो देखने के बाद गिरफ्तारी हुई है। क्या आपको लगता है ये सबूत सारे झूठे हैं? मतलब मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं, तथ्य पे, राजनीतिक आरोप आप लगाते रहिए। मानन जी, हम लोग कुछ भी बोले, अगर भ्रष्टाचार हुआ होगा, सबूत होंगे तो सजा होगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन पता लगे कि आप किसी नेता को, किसी पार्टी को 2024 तक परेशान कर रहे हैं, उसकी छवि खराब कर रहे हैं, और फिर उस पर कोई आरोप तय ना हो तो उसका जिम्मेदार कौन? पर वो तो बाद में पता चलेगा ना सुनील, कोर्ट का फैसला आने तक आपने तो मतलब उनको पहले क्लीन चिट दे दी कि भैया जो कोर्ट में बाद में आएगा वो बाद में देखा जाएगा। नहीं,
देखिए समाजवादी पार्टी ने क्लीन चिट नहीं दी, समाजवादी पार्टी ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव किया है, एक मॉडल पेश किया है, और अगर इस देश में स्कूल कैसे चल सकते हैं, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल नहीं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली ने वो एक उदाहरण पेश किया है। और हम फिर कह रहे हैं अगर भ्रष्टाचार हुआ होगा, सबूत होंगे, माननीय न्यायालय अगर उस पर ओके हरिशंकर।